Hello, in this particular video, we will focus more on the problems which are solved by frequency counter method. So frequency counter method is a important concept which is used in various problems. In this particular video, we will focus, we will not take so much problems. मैं कुछ दो या तीन problems ही लूंगा और उन problems के through आपको explain करूंगा कि frequency counter method का use कैसे कर सकते हैं. Okay? पहले तो आते हैं frequency counter method होता क्या है. As the name suggests, frequency counter मतलब आपको हर element की frequency count करनी होती है. यही होता है frequency counter method. और frequency counter method के लिए आप एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो जो कि होता है मैप. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैप के बारे में जानेंगे कि मैप क्या होता है, मैप को कैसे यूज करते हैं और हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड को सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले मैप क्या होता है. तो मान लीजिए आपके पास एक एरे रखी है 1 2 7 3 4 2 1. ये आपको एक एरे रखी है. आपको क्या करना है, आपको इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है. तो आप क्या करोगे, आप एक मैप लोगे. लेट्स से आपने एक मैप लिया जिसका नाम है एमपी. आप उस मैप में इन सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर रखोगे. अगर आपने यहाँ लिखा है लेट्स से एमपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2. अगर मैं यहां लिखूंगा एमपी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, मतलब वो सिर्फ एक बार अकर कर रहा है. अगर मैं लिखूं एमपी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 बार है. अगर मैं लिखूं MP of 7 is equal to 1, MP of 4 is equal to 1, तो ये सारे उसके frequencies दे रहे हैं. अब ये frequency हम लोग कैसे निकालते हैं भाई. हमारे तो अगर हमारे पास frequency आ गई हर element की तो हम लोग उसके थ्रू काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बट हाउ, तो सबसे पहले तो हम लोग उस मैप को डिफाइन कैसे करते हैं. जैसे हम लोग बाकी चीज डिफाइन करते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि हाउ वी कैन डिफाइन अ मैप. तो उसके लिए इट इज रिटन दैट where mp is equal to new map. So basically map नाम की एक क्लास है, उसका हम लोग एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, ग्रेट. अब देखो ये हमें यहां पर दिया गया है, फाइन. अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ये मैप पूरा एम्प्टी है. अभी इस मैप बेसिकली मैप के अंदर क्या होता है, मैप के अंदर की वैल्यू पेयर होता है. ये की है मतलब एक एलिमेंट, ये की है उसकी एक वैल्यू होती है. वैल्यू मतलब कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है जो भी हम लोग वहां पे स्टोर कर रहे होते हैं. तो की वैल्यू पेयर होता है, असल में आ रही है. ठीक, तो मान लो हमें ये एरे दे रखी है ए आर आर और इस एरे की हमें एक एक एलिमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है. ठीक है, हमें एक एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है. तो हम लोग वो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काउंट कर रहे होंगे. तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो देखो उसमें कुछ फंक्शन होते हैं मैप में जो तो हम लोग पहले भी यूज करने वाले हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर वीएस कोड खोल लेता हूँ और आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कैसे चीजें करते हैं. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डीएसए, हाँ जी, तो ये हमारा वीएस कोड है. ठीक है, इसमें मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी काउंटर का यहाँ पर हम बना लेते हैं. पहले हम इसमें लिखते हैं मैप डॉट जेएस कि मैप क्या होता है उसको देखते हैं. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले तो एक एरे ले ली लेट ए आर आर, पहले जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए. इज इक्वल टू, चलो ये वाले ले लेते हैं एरे, तो अपना 2 मिनट 1 2 7 3 4 2 1. ठीक है, इसका मैंने एक मैप ले लिया वेयर एम पी इज इक्वल टू न्यू मैप. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो हमें इस मैप में इस एरे की सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है. ठीक है,
एक एक करके सारे फंक्शंस करते हैं मैप में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला एक फंक्शन होता है मैप में, तो यहाँ भी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से भी देख के थोड़ा डिफरेंस ले सकते हैं, गेट और सेट। तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, गेट और सेट। एक होता है डॉट गेट, एक होता है डॉट सेट, और एक और होता है जो होता हैज। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हैज। अब देखो एक फंक्शन काम क्या होता हैज फंक्शन क्या चेक करता है। मैंने यहां लिखा एमपी डॉट हैज 8, तो ये पता क्या करेगा, ये चीज चेक करेगा कि क्या इस मैप में 8 वैल्यू की कोई कोई की है कि नहीं, क्या इस मैप में वैल्यू 8 की कोई की है कि नहीं। 8 की नहीं है ना, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि इस पूरे मैप में कहीं भी कोई भी की नहीं है जिसकी वैल्यू 8 हो। अगर मैं यहां पर इसकी जगह दे देता हूं 2, तो वो दे देगा ट्रू। ट्रू क्यों दे देगा, क्योंकि इस मैप में एक वैल्यू है जो कि है 2, इसलिए वो 2 दे देगा, ट्रू दे देगा। ओके, तो ये होता हैज मतलब पता करता है कि क्या उस मैप में कोई है कि नहीं। अब देखो ये हो गया। अब गेट क्या होता है, गेट क्या होता है कि वो किसी की के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, ये गेट करने के लिए यूज करता है। मैंने यहां लिखा मान लो एमपी डॉट गेट 7, मान लो लिखा यहाँ पर, तो क्या देगा एमपी डॉट गेट 7, वो दे देगा 1, क्योंकि 1 ही तो है। देखो एमपी मैप की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 दे दिया उसने। तो हमें गेट समझ लिया, गेट मतलब एक की के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो हमें बताता है मैप एमपी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है। समझ में आई। और हैश क्या करता है, हैश पता करता है उस वैल्यू की है कि नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे जितनी कीज लिखी हुई है, देखो की ये नहीं है, की ये नहीं है, ये वैल्यूज है बाद वाली की जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो की 1, 3, 2, 7, 4 ये सब सारी की है, और की हमेशा यूनिक होती है, की हमेशा यूनिक होती है, मतलब एक की दो बार नहीं आ सकती है। आप देखोगे एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 2 ऊपर भी है, 2 यहाँ भी है, 1, 1, 1 3 बार है, पर एक की कभी भी रिपीट नहीं होती है, की हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, ये आ गया आपका पहले से। अब हम लोग जो अगला फंक्शन बात करेंगे वो होगा सेट। नेक्स्ट फंक्शन इज सेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज सेट। अब देखो सेट क्या होता है और सेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग मान लो हमें यहाँ पे मैप लिखा हुआ, मैं यहाँ पे एक और की ऐड करनी है, मान लो 5, यहाँ पे और इंटीजर है 5, तो मैं यहाँ पे 5, 1 ऐड करना हूँ, तो मैं लिखूंगा एमपी डॉट सेट 5, एमपी डॉट सेट 5, 1। तो ये 5, 1 क्या करेगा, ये 5, 1 एक नई की वैल्यू पे ऐड कर देगा, जो कि होगा यहाँ पे लिख देंगे MP5 इज इक्वल टू 1, एक नया की वैल्यू पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आसान नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। एक होता है गेट। गेट फंक्शन क्या करता है कि एक पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है ये डिटरमाइन करता है। हैश क्या करता हैश ये पता करता है क्या कोई की है कि नहीं है उस मैप। और सेट क्या करता है, सेट ये पता करता है कि एक मैप में एक पता नहीं करता सेट करता है बेसिकली, वो एक मैप में एक की वैल्यू पेयर को सेट कर रहा हो। ये होता है इन दोनों फंक्शंस का काम, जो कि हैज, एक है हमारे पास हैज, एक है हमारे पास गेट, एक है हमारे पास सेट। तो हम लोग इन तीनों फंक्शन के बीच जब हम यहाँ पे इस मैप में करने वाले, तो मान लो हमें बोला गया कि आप लोग इस पूरे एरे की फ्रीक्वेंसी काउंट करो कि किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे इस एरे के थ्रू आइट्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ले ली, उस फॉर लूप मैंने कहा लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो भी लेंथ है, ARR.length और i++, इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया, इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो चलो ये हो गया। ठीक, हम लोग आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि एक जो हमारे पास एलिमेंट है, तो हमें रैंडम मिल गया यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू ARR(5), तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल गया हमारे एरे का, मान लो हमें पहला एलिमेंट मिल गया 1, ऐसे करके 1, 2, 7 ऐसे करके आगे हमें सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, x हो गया हमारा एक एलिमेंट इस एरे का। ठीक, अब देखो अब हमें क्या करना, अब हमें इस मैप में वैल्यू सेट करनी। तो देखो एक चीज है, अब अगर मैं इस चीज को फिर से यहाँ लिखूँ, मैं सबको इरेज कर दूँ, आपको एक्सप्लेन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो
मान लो अभी हमारे पास मैप में कुछ भी नहीं है, हमारा मैप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा मैप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अभी हमारे मैप में कुछ भी नहीं है। हम लोग आए अपने पहले एलिमेंट पे जो कि है वन, तो पहला एलिमेंट है हमारा वन, तो भाई पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैप में पहले से कोई वन है कि नहीं, तो चेक करेंगे हम लोग। आप देखोगे मैप में कोई भी पहले से वन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सेट कर दोगे, क्या सेट कर दोगे कि भाई मैप ऑफ वन जो है वन हो गया, ये आप सेट कर दोगे क्योंकि यहाँ पहले से कोई वन नहीं था, ठीक, मान लेते क्योंकि यहाँ पहले से कोई भी वन नहीं था। अब आ गया टू, अब आप पहले चेक करोगे क्या पहले से कोई टू है कि नहीं है, आपने कभी ये नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इस एमपी ऑफ टू को भी वन सेट कर दोगे, ये पहले से कोई नहीं था, ये पहला है, तो एमपी टू को वन कर दिया। आप सेवन पे है, सेवन पे आपने सेम काम किया, आपने क्या किया, एमपी ऑफ सेवन को वन कर दिया क्योंकि पहले से कोई सेवन नहीं था। पर जब आप टू पे आओगे, तो जब आप टू पे आओगे तो आप फिर से टू को सेट वन नहीं कर दोगे कि एमपी ऑफ टू इज इक्वल टू वन, नहीं, क्योंकि पहले से भी एक टू वहां पड़ा हुआ है, तो आप पहले चेक करोगे क्या एमपी डॉट हैज टू है, हाँ है, ये ट्रू है, तो आप क्या करोगे, आप नया की वैल्यू पेयर सेट तो करोगे, बट जो उसकी वैल्यू होगी वो पुराने की वैल्यू पेयर से प्लस वन होगी, मतलब पुराना वन है तो प्लस वन टू, अब एमपी ऑफ टू जो है टू हो जाएगा। फिर फोर मिला, फोर पहले से नहीं था, तो आप एमपी ऑफ फोर को वन कर दोगे, अब फिर से टू आया और टू पहले से है, टू पहले से प्रेजेंट है, फिर आप क्या करोगे, आप इस टू में फिर से प्लस वन करके इसको थ्री कर, तो थ्री कर दोगे, बस में ये बेसिकली यहाँ काम हुआ है, इस तरीके से मैं यहाँ करना होगा, ठीक, चलो करते हैं। देखो इफ एमपी डॉट हैज एक्स, भाई अगर एमपी में एक्स है, एमपी डॉट हैज एक्स, अगर पहले से मतलब वो जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है वो की हमारे पास, तो मैंने क्या कहा था, अगर ऑलरेडी, चलो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है उसके लिए करते हैं, एल्स के लिए बुलाते हैं, अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग नॉर्मली एमपी डॉट सेट कर देंगे उस की के लिए कॉमा वन, कि भाई अब वो जैसे यहाँ पे हमने पहले वन आए थे, वन प्रेजेंट नहीं था, तुमने क्या किया था, हमने एमपी ऑफ वन को वन कर दिया था, यही रो कर दिया एक्स कॉमा वन, टू प्रेजेंट नहीं था, तुमने टू कॉमा वन टू को भी वन कर दिया था, सेवन को भी वन कर दिया था। तो हम लोग अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, तो हम लोग ये नॉर्मल काम कर लेंगे, हम लोग नॉर्मल काम यहाँ कर लेंगे, बट अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है एक मैप में एक वैल्यू, तो हम लोग फिर से उसको सेट नहीं करेंगे, वो हमेशा वन रहेगा, हम लोग सेट तो करेंगे, सेट तो करेंगे एक्स कॉमा, बट क्या सेट करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो पुरानी वैल्यू होगी उसमें वन प्लस कर देंगे, और पुरानी वैल्यू कैसे पता करेगी, अगर हमें पता करना हो कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या है, तो हम लोग गेट का यूज करते करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एमपी डॉट गेट एक्स, उसमें प्लस वन कर दें, भाई पुरानी जो भी वैल्यू थी एक्स की उस मैप में उसमें प्लस वन कर दो और वो सेट कर दो, वन में आ रहा है, ये होगा यहाँ इस तरीके। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में लॉक करूँ, मैं लॉक करूँ यहाँ पर एमपी डॉट गेट टू, तो टू जो कितनी बार आ रहा है, टू यहाँ पर दो बार आ रहा है, तो वैल्यू दो आएगी, चेक कर लो जरा, दो आ गई क्योंकि यहाँ पे टू दो बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ देखो सेवन लिखूँ, सेवन यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है, प्रिंट करूंगा बनाएंगे, तब वो हर कैरेक्टर की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमें देने लगा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। मान लो हमें सारे कैरेक्टर से फ्रिक्वेंसी चाहिए हो, तो हमें इस मैप के थ्रू आइटरेट करना पड़ेगा। भाई ये मैप देखो है क्या, बेसिकली ये मैप बेसिकली है क्या, ये मैप ऐसा है, इस मैप में ऐसे वैल्यू पड़ी हुई है, 1, 1 मतलब वन एक बार है, कॉमा 2, 3 मतलब टू थ्री बार है, कॉमा 7, 1 मतलब 1, 7 एक बार है, ठीक, कॉमा 4, 1 अच्छा 1 दो बार था, तो यहाँ दो हो जाएगा, और 5, 1 इस तरीके से वैल्यू पड़ी हुई है इस पूरे मैप में, मतलब एक एक एलिमेंट में दो वैल्यू, एक की एक पेयर है। तो जैसे हम लोग एक एरे के थ्रू आइट्रेट करते हैं, वैसे हम लोग अब इस मैप के थ्रू आइट्रेट करते हैं, कैसे करेंगे, फॉर ईच लूप ले लेते हैं, ठीक है, चलो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इस मैप के लिए सारे जितने भी इसमें की वैल्यू पे सबको आप प्रिंट करो, उसके लिए अगर आप करोगे एमपी डॉट फॉर ईच, आप फॉर ईच लूप का यूज कर लो। मैंने क्या बोलता है, दो चीजें होती हैं, एक होती है की, एक होती है वैल्यू,
ठीक है, आपको की वैल्यू मिल गई। अब आप नॉर्मली हर की वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर की, ऐसे प्रिंट कर सकते हो आप, की इज इक्वल टू की, ठीक है, और लिख सकते हो वैल्यू, या एक अलग लाइन में वैल्यू प्रिंट कर देंगे, चलो तो इसी के आगे कर देंगे। आप लिख सकते हो एंड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक, प्रिंट कर दो, ये क्या हो गया दोस्त, देख लो। अब हर की के लिए उसकी वैल्यू क्या है, ये यहां पर हर की के, बस सुन भाई, हर की के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहाँ पर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है, पहले वो बंदा क्या लेता है, वैल्यू लेता है, पहले वैल्यू मिलती बाद में की मिलती है, तो एक यहाँ पे पहले वैल्यू मिलती है, वैल्यू की पे बेसिकली होता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ बाद में की देता हूँ। अब प्रिंट करते हैं, देखो वन कितने बार प्रेजेंट है, वन दो बार प्रेजेंट है, दो आ गया, दो भी दो बार प्रेजेंट है, दो आ गया, 7 3 4 एक एक बार प्रेजेंट, एक एक बार, तो ये की है, की एंड वैल्यू दोनों चीज आपको यहाँ मिले। तो बेसिकली हमें इस मैप के थ्रू हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी, इस एरे के हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमें यहां पर मिल चुकी है, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, अब इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम लोग काफी कुछ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, काफी कुछ हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो अब लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। तो एक क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वो बंदा बोल रहा है कि आपको एक एरे दे रखी है जिसमें एन नंबर्स हैं, हर नंबर जो 0 से लेकर के -1 के बीच का है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब यूज कर सकते हैं बट हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे इस चीज का। बेसिक क्या बोल रहा है, इफ देर आर टू और मोर रिपीटिंग नंबर रिटर्न द एलिमेंट विद लीस्ट वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दे रखी गई है, और एक एरे आपको दे रखी गई है यहाँ पर, और उस एरे में, पर्टिकुलर एरे में आपको जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, द मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो आज हम लोग इस जो हमने अभी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मैंने पढ़ा है उसका हम लोग ज्यादा नहीं, एक या दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, बाद में फिर हम लोग उसके और क्वेश्चन लेंगे, ठीक। तो ये हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड है, ठीक है। हमें एक एक एरे दे रखी है, उस एरे में हमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर, वो हमें बताना हो, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर हमें बताना हो, बात समझ में आ रही है, वी हैव टू टेल द मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर इन द एरे, ठीक है, ये हमें यहां पर बताना हो। ठीक है, अब देखो हमारे भाई ये एरे दे रखी है, ठीक है, इस एरे में बता दो कौन सा नंबर सबसे मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है, विच नंबर इज रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम। मैं बोला जा रहा है कि जो 2 है वो मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2। अब देखो ये भी कैसे हो सकता है कि कई सारे नंबर जो सेम बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे इस वाले एरे में क्या है, 2 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है, और 2 0 भी 2 बार है, तो बोल रहा है इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको उस एलिमेंट को रिपीट रिटर्न करना जो कि सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा एलिमेंट हो, सबसे छोटा क्या था, 0 था, तो आपने 0 को रिटर्न कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर हमें इन सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बहुत ही बेसिक काम करेंगे, सबसे बेसिक काम करेंगे वो ये होगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर एलिमेंट फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट कर लेंगे इस वाले में, ठीक है। अब देखो कैसे काउंट करते हैं, तो कैसे काउंट होगी, ठीक, हमारे पास ये लिखा है मैक्स रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, एरे है, एन है, दो मेन चीज है,
एक काम करते हैं, हम लोग एक मैप ले लेते हैं यहाँ पर, वेयर एमपी इज इक्वल टू न्यू मैप। हमने यहाँ पर मैप ले लिया, ठीक है बढ़िया। अब आप क्या करोगे, अब आप इस मैप में इस एरे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी नंबर उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करो। आपने कहा ठीक है, आपने यहाँ पर ले लिया लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और आपने यहाँ पर एलिमेंट निकाल लिए इस एरे के एक्स। आप पहले चेक करोगे ना, मैंने बताया मैप में इंसर्ट करने के पहले चेक करना पड़ता है, तो इफ मैप हैज दैट नंबर है तो कुछ और कर देंगे, एल्स अगर नहीं होगा तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं होगा उसमें तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एम पी डॉट सेट कर देंगे एक्स का वन, नॉर्मली हम लोग एक्स का वन को वहां सेट कर देंगे, ठीक है। और अगर होगा If has, तो हम लोग क्या करें, हम लोग कहेंगे एम पी डॉट सेट एक्स कॉमा एम पी डॉट गेट एक्स प्लस वन, जो भी पहले से पढ़ा उसमें प्लस वन कर दिया। अब इस लूप के बाद में हमारे पास इस मैप में फ्रिक्वेंसी आ जाएगी कि भाई क्या फ्रिक्वेंसी है हर एक एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें वो एलिमेंट बताना है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और अगर किसी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी सेम है तो छोटा एलिमेंट हमें लेना। हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे बताया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस मैप के थ्रू आइट्रेट करना है और हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कितनी है। जैसे लोगों ने यहाँ पे वो किया था, उन्होंने वीएस कोड में क्या किया था कि हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ प्रिंट करा दी थी। ऐसे ही हम लोग आइट्रेट करके चेक करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, चेक करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ले लेंगे, दो इंटीजर ले लेंगे, लेट मैक्स फ्रीक्वेंसी पहला हो गया, फिलहाल के लिए जीरो मान लो, एंड लेट आंसर, आंसर बेसिकली वो इंटीजर होगा जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी होगी, और क्या होगी मैक्स फ्रीक्वेंसी वो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या, हम लोग नॉर्मली एम पी डॉट फॉर लूप चला देंगे, क्या आएगा वैल्यू कॉमा की, काम करते हैं इसको यहाँ से प्रिंट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे इसको, हम लोग सिर्फ चेक करेंगे क्या अभी जो हमारे पास, इफ जो हमारे पास अभी की वैल्यू है वो क्या हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, कि हमें भाई वही नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू बड़ी, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर है तो हम लोग हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी को वैल्यू के इक्वल कर देंगे और हम लोग हमारे आंसर को में एक की डाल देंगे, भाई इस की मैक्स फ्रिक्वेंसी है ना तो हमारे आंसर में आ गई। एल्स, एल्स एक केस और आएगा, एक केस ये आएगा कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो मैक्स फ्रिक्वेंसी के इक्वल हुई, क्योंकि हो सकता है कि कई ऐसे नंबर्स हों जिनकी वैल्यू सेम हो, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, कई ऐसे नंबर भी होंगे ना, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारी मैक्स फ्रिक्वेंसी तो इक्वल ही है, पर अगर जो करेंट जो की है आंसर से छोटी है तो हम लोग क्या करें, हमारे आंसर में वो की डाल देंगे, क्योंकि तो हमें वो नंबर चाहिए सबसे मिनिमम हो। जैसे लोगों यहाँ पर क्या था कि कई नंबर्स की फ्रिक्वेंसी सेम थे, टू की भी थ्री थी, टू थी, वन की भी टू थी, जीरो की भी टू थी, और हमारा आंसर आया था जीरो, आया समझ में, ये हमें यहाँ करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, जो भी है चेक कर लेते हैं भाई, लेट्स सी कि क्या आ रहा है यहाँ कुछ। एल्स वैल्यू इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, कुछ यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, लेट मी सी, लेट्स सी क्या रॉन्ग हुआ है, इट इज सेइंग कि एक्सपेक्टेड टोकन, कुछ कंपाइलेशन करा रही है, अच्छा एल्स इफ करना पड़ेगा ना हम यहाँ पर, सॉरी एल्स इफ, सिर्फ एल्स में तो कंडीशन दे नहीं सकते यार, तो सॉरी। तो देखो हमारा सही आंसर आ गया यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरा कस्टमर प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से 4301 10, देखो कि 1 और 0 दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, पर हमें
हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि 0 छोटा है। ठीक है, देखते हैं सही आया। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको। चलिए ठीक, इस तरीके से हमने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी अभी मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, एक काम करते हैं, उसको ड्राई रन कर लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक आंसर एक ले लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। लेट से एरे है हमारे यहाँ पास 7 3 8 3 8 2 3, मान लो ये हमारे पास एक एरे आई है। ठीक है, अब इस एरे में हमने क्या किया, पहले तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट कर ली इस मैप में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा कि MP of 7 is equal to 1, MP of 3 is equal to 3 आएगा, क्योंकि 3 बार है, देखो 3 है 3 बार। MP of 8 is equal to 2 आ जाएगा और MP of 2 is equal to 1 आ जाएगा। भाई 2 एक बार है, 8 2 बार है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ओके, इज इट फाइन, ग्रेट यार, बढ़िया। अब आगे समझते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक मैक्स फ्रिक्वेंसी करके ले रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है, आंसर भी 0 है। भाई आंसर में क्या है, आंसर हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर है। अब देखो, पहली हम लोग आइट्रेट करेंगे इस मैप पे, आइट्रेट। ठीक है, पहला हमारा मैप है यहाँ पर, पहली की है 7, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू है 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे पास एक वैल्यू मिल रही है जो हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, तो हम लोग चेंज कर दे रहे हैं हमारे। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है 1 है, हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी 1 है, हम लोग इसको चेंज करके यहाँ पर कर देंगे 1 और आंसर हमारा हो जाएगा 7। भाई 7 एक इंटीजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब आगे आए, आगे हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी 3, मतलब वैल्यू 3, ये तो 1 से बड़ी है, तो हमने क्या किया, मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 कर दिया और आंसर को भी 3 कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, अब आती है फ्रीक्वेंसी 2, तो फ्रीक्वेंसी 2 जो है इससे कम है, मैक्स फ्रीक्वेंसी तो कम है, ना इक्वल है ना ज्यादा है, कम है। अगली फ्रीक्वेंसी भी इससे कम है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3। 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का नंबर है, इसलिए देख लो सबसे ज्यादा बार 3 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। चलो अब देखो, अगला काम। ठीक है, अगला काम ये होगा हमारे पास कि मान लो, ये तो हम लोग समझ गए, तो ये तो बिल्कुल बेस केस। एक केस ये भी आएगा यहाँ पर हमारे पास कि मान लो, लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, तो क्या होगा कि इस तरीके से लिखेंगे MP of 7 तो 1 है, ठीक है, MP of 8 2 है, MP of 3 भी 2 है, ठीक है, MP of जो 2 है वो 1। ये इस जैसे हमने आपको इस क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बोला जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर अगर दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आपको वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि स्मॉलर है, जो कि छोटा है। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन बोल जाए कि बड़ा वाला रिटर्न करो, तो आप बड़ा वाला कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक साइन चेंज करना हो, इसमें क्या है, देखो इसमें दो फ्रीक्वेंसी सेम है, दो एलिमेंट, तो हम लोग छोटा वाला एलिमेंट आउटपुट करेंगे जो कि होगा 3। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ भी हमारे पास मैक्स फ्रीक्वेंसी आ गई है, स्टार्टिंग में 0 होगी, आंसर भी स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, अब देखो पहला एलिमेंट पे है, पहले एलिमेंट की मैक की फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यू 1 है, मैक्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैक्स फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, आंसर में हमने 7 डाल दी, वैसे 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है। अगला आया 2, अगली फ्रीक्वेंसी आ गई 2, तो इस मैक्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हमने यहाँ 2 कर दिया, इसको हमने 8 कर दिया, भाई 8 की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ गई है, अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट 8 है। अब आया फिर से 2, तो देखो जब भी हम लोग फिर से एक वैल्यू आएगी जो कि मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, फिर से एक वैल्यू आ रही है जो कि मैक्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, विच इज इक्वल टू द मैक्स फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द की विच इज स्मॉलर, जो छोटी की होगी हम लोग वो लेंगे। तो देखो अभी हमारे पास आंसर है 8, और जो करंट की है जिसकी फ्रीक्वेंसी वो है 3। अगर हमारे पास कोई की आती है जिसकी जो आंसर है छोटी होती है, तो हम लोग उस की को आंसर करें, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि एक 3 फ्रीक्वेंसी जिसकी 3 एक एलिमेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक 3 आ जाएगा हमारे आंसर में, 3 आ जाएगा हमारे आंसर में। अगला आता है मैप विच इज 2 एंड 1,
अब अगली फ्रीक्वेंसी टू का, जो कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वन है टू की, पर वो तो मैक्स फ्रीक्वेंसी छोटी है, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा थ्री। थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो आठ में दो बार आ रहा है, तीन में दो बार आ रहा है, पर तीन छोटा है। अगर मुझसे बोलता कि बड़ा एलिमेंट रिपीट रिटर्न करो, सेम तो बड़ा एलिमेंट रिपीट, तो ना मैं ऐसे कर लूंगा, पर यहाँ ऐसा नहीं बोला। तो ये बेसिकली यहाँ पर नंबर है, ये बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये हमें बता रहा है। एंड दिस इज द पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हमने सीखा। हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे हम लोग एक मैप के थ्रू फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, हैश सेट गेट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट करना, उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, ये भी हमने आज सीखा है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके।